सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। दुनिया भर में महामारी की तरह फैले कोरोना वायरस को लेकर नवी मुंबई में किए गए इंतजाम की जानकारी लेते हुए विधायक गणेश नाइक ने वाशी स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल का दौरा किया, मगर उनके इस दौरे के दौरान कई मरीजों के परिजनों ने गणेश नाइक के सम्मुख अपनी समस्याएं रखी। जैसे ही गणेश नाइक अपनी गाड़ी से उतरे, उस समय तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची गणेश नाइक के पास आकर उनसे लिपट कर रोने लगी। पल भर के लिए उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। तब गणेश नाइक ने बच्ची से पूछताछ की। बच्ची की समस्या सुनने के बाद गणेश नाइक ने डॉक्टर जवादे से कहा कि बचपन में ही बच्ची की मां गुजर गई थी एवं पिता द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए उसका उचित इलाज किया जाए। प्लास्टिक सर्जरी करता है जरा एक मिनट बरा झाला ते बरा झाला डॉक्टर एक काम करा आणि माझा नंबर घे जरा एक मिनट शांतपणे ऐक मी काय बोलतो हे डॉक्टर जवादे साहेब ओके इसके बाद और एक लड़की आगे आई जिसने गणेश नाइक से कहा कि उसके पिता की तबीयत में अभी तक पूरी तरह से सुधार नहीं आया, फिर भी अस्पताल प्रशासन उन्हें डिस्चार्ज देने में जल्दबाजी कर रहा है। इस पर गणेश नाइक ने डॉक्टर जवादे को ये आदेश दिए कि जब तक मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं होता उसे डिस्चार्ज ना दिया जाए एवं जब घर वालों को मरीज की तबीयत की तसल्ली हो तब ही उन्हें घर भेजा जाए। गरज असेल तर जोपर्यंत तो टोटली क्युअर होत नाही तो ठेवला पाहिजे आणि जर खरोखर म्हणजे योग्य झाला म्हणजे सुधारला कसा सुधारला त्याची खात्री करून द्या। अजून आता मी सांगितलं तर जवादे साहेब काळजी चल। जब गणेश नाइक आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर बाहर लौट रहे थे तब एक लड़की अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ी रो रही थी। गणेश नाइक ने उससे बात कर उसकी समस्या जानी तब ये बात सामने आई कि लड़की की मां के सर पर किसी कारणवश गंभीर चोट आई है, इसलिए वो परेशान है। तब स्वयं गणेश नाइक ने उसकी माँ का हालचाल जानने के लिए डॉक्टरों से बात कर पूरी जानकारी ली एवं जल्द से जल्द इलाज करने के लिए कहा। चला।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।